बॉलीवुड के सो कॉल्ड किशर बॉय एक्टर इमरान हाशमी का कैरियर आजकल हाशिए पर चल रहा है। एक दौर था जब बॉलीवुड में उनको राइजिंग स्टार की तरह देखा जाता था। उनकी मोस्टली मूवीज म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर होती थी। भट्ट कैंप में उनका अच्छा खासा वर्चस्व था, लेकिन जैसे वो भट्ट कैंप से बाहर हुए उनका कैरियर थोड़ा सा डाउन हो गया। हालांकि इस बीच में उन्होंने कई अच्छी क्लासिकल मूवी भी दी, संघाई है, एक थी डायन है, बट उसके बाद उनकी फिल्में चल नहीं पाई। करीब 10-12 साल से उनके खाते में एक बड़ी हिट मूवी जोड़ नहीं सकी है। अगर पिछले 2021 से लेकर 2016 के बीच की बात करें तो उनकी फिल्में बहुत सारी फ्लॉप हुई हैं, फिर चाहे वो डाई बुक हो, चेहरे हो, मुंबई सागा, हरामी, द बॉडी, वाई शीट इंडिया, वेलकम टू न्यूयॉर्क, बहुत सारी फिल्में हैं। यहाँ पर हाशमी अपना मैजिक नहीं दिखा पाए। हालांकि एज एन एक्टर उनको कभी चैलेंज नहीं किया गया, वो हर तरह के रोल कर पाते हैं, बट एक बड़ी कमर्शियल मूवी हिट ना होने की वजह से वो स्टारडम से बाहर हो गए हैं और नई जनरेशन ने ओवरटेक कर लिया है। ऐसे में हाशमी के कैरियर को रिवाइव करने के लिए सिर्फ एक मूवी काफ़ी है जिसका नाम है टाइगर 3, और टाइगर 3 उनके कैरियर को अमृत दे सकती है बिकॉज उसमें उनका किरदार जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके किरदार का नाम है लॉइन, जो कि आईएसआई एजेंट जमाल फतेह मीर है, और पहली बार वो सलमान खान के अपोजिट एज ए विलन टकराएंगे टाइगर 3 में। टाइगर 3 नो डाउट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है और हाशमी के कैरियर को रिवाइव करने का पूरा दम रखती है, बट इस मूवी से हाशमी को फायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है बिकॉज सलमान खान का तो कॉन्ट्रैक्ट यशराज के साथ है, बट उनको लिबर्टी मिल जाती है बिग बॉस करने की, अंतिम करने की, राधे करने की। हाशमी ने सेल्फी शूट कर ली है बट रिलीज नहीं हो सकती है। इसके अलावा ग्राउंड जीरो भी बना रहे हैं बट वो भी अभी होल्ड पर है। जब तक टाइगर 3 ऑनलाइन नहीं होगी तब तक हाशमी किसी और प्रोजेक्ट में साइन नहीं किए जा पाएंगे बिकॉज उनके नाम पर एक ठप्पा लग चुका फ्लॉप हीरो का। अब टाइगर 3 इतनी बार डिले हो चुकी कि उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहने गई हैं बिकॉज उनका किरदार जो है वो इतना ज़्यादा रैप करके रखा गया कि पब्लिक में उनको बोलने से मना किया गया है। और वैसे भी यशराज ने इतनी पाबंदियां लगा दी हैं कि अपने किरदार को लेकर न तो मीडिया से बात कर सकते हैं, न फेसबुक पर डाल सकते हैं, न इंस्टाग्राम पर पब्लिसिटी कर सकते हैं। यानी सारे एक्टर, चाहे कैटरीना कैफ हो, फोन बूथ भी कर रही हैं, मैरिज भी कर रही हैं, सलमान खान बिग बॉस भी कर रहे हैं, बट हाशमी खाली बैठे हैं, वेट कर रहे हैं टाइगर 3 कब पर्दे पर आएगी, कब उनके लाइन को फिर से स्क्रीन पर मौका मिलेगा दहाड़ने का। तब तक हाशमी अपनी प्रॉप फिल्मों की लिस्ट देकर घबरा रहे हैं बिकॉज हर एक्टर के कैरियर में कुछ खास दौर होते हैं जब वो रिवाइव हो सकता है। अगर वो दौर भी हाथ से निकल जाए तो पब्लिक आप पर ध्यान नहीं देती है। हाशमी लगभग मीडिया से गायब हैं, पब्लिसिटी से गायब हैं, और तो टाइगर 3 से भी गायब हैं एज ए पब्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हाशमी के लिए टाइगर 3 गले के फांस बन चुकी है। एक बड़ी मूवी है बट उसका बोझ उनसे संभल नहीं रहा है। इससे बेहतर तो तब था जब वो भट्ट कैंप की छोटी फिल्में करते थे छोटे बजट की और अच्छी खासी म्यूजिकल हिट देते थे, बट आजकल वो विलन बन चुके हैं, टाइगर 3 के फेर में फंस चुके हैं। अब जब तक टाइगर 3 नहीं आएगी हाशमी का जलवा देखने को नहीं मिलेगा, और तब तक उनके फैंस सिर्फ वेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वेट सलमान खान के लिए जितना फायदेमंद है उतना ही फायदेमंद इमरान हाशमी के लिए भी हो, वरना उनके कैरियर में खतरे के बादल मंडराते रहेंगे। दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इस मूवी को लेकर आपका एक्साइटमेंट लेवल किस हद तक है।